नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं सेंट्रल पार्क के प्रोजेक्ट फ्लावर वैली के अंदर, और मेरे पीछे है द रूम्स, और द रूम्स के पीछे है एक्वाफ्रंट टावर। इसका पोजीशन सेंट्रल पार्क ने दे दिया है, और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्वाफ्रंट टावर्स की विजिट करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में रियल फ्लैट को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ ना ही दिखाऊंगा बल्कि पूरे इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अभी एक्वाफ्रंट टावर पर, और ये आप देख रहे हैं, ये है मैन मेड लेक। अगर मैं इस व्यू की बात करूं तो बहुत ही ऑसम व्यू है। ये व्यू आपको सेंट्रल पार्क में ही मिल सकता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको कहा था कि मैं इसमें आपको रियल फ्लैट भी दिखाऊंगा, तो अभी हम लोग चलते हैं टावर के अंदर। मैं टावर ई के अंदर जा रहा हूं, इसमें हम लोग रियल फ्लैट को विजिट करेंगे। तो आइए चलते हैं टावर ई के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक्वाफ्रंट की लिफ्ट लॉबी में, या मेरे पीछे आप लिफ्ट देख सकते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा रियल फ्लैट एक्वाफ्रंट टावर के अंदर। और इस फ्लैट की बालकनी से भी हम लोग एक व्यू शूट करेंगे, जिससे आपको एक एरियल व्यू भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। हम लोग जब फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो ये एक फॉयर आता है, और ये है आपका लिविंग डाइनिंग। काफी अच्छा साइज है इसका, जो साइज है विच इज 1789, you can see that this is the foyer, and now you can see this is the living and dining. Awesome size, bigger space, attached balcony. So you can see this is the modular kitchen. Kitchen के साथ में utility balcony आपको मिलता है, where you can install your outside kitchen as well as washing machine. This is the first bedroom with the wooden flooring. काफी अच्छा size है with attached balcony. This is wardrobe, attached toilet. इसके अंदर आपको ग्लास का पार्टीशन मिलता है, और इसके अंदर आपको ये वैनिटी, मतलब रॉ फ्लैट नहीं है, दो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक बैरशल मिलता है और एक मिलता है जिसमें आपका सेमी फर्निश्ड। तो ये मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूं, दिस इज द सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। दिस इज सेकेंड बेडरूम। हर एक बेडरूम के अंदर यहां पर वुडन फ्लोरिंग आपको मिलता है, ये आप सामने देख सकते हैं। काफी अच्छा वार्डरोब है। अगर मैं इसके डेप्थ की बात करूं तो काफी अच्छा डेप्थ है। मैं ओपन कर देता हूँ दिखाने के लिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये मैंने एक साइड का वार्डरोब अभी ओपन किया है, दूसरा साइड का वार्डरोब इस साइड भी है, तो आप देख सकते हैं उसको। और ये आता है आपका अटैच वॉशरूम। सिमिलर है ऑलमोस्ट। और ये है अटैच बालकनी इस बेडरूम के साथ से। दिस इज कॉमन वॉशरूम, एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई है इसके अंदर, ग्लास पार्टीशन है, एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम विद वुडन फ्लोरिंग। ये जो वॉश
रूम की जो एंट्री है ये डुअल एंट्री आपको मिलती है इस रूम से भी और आपके गैलरी से भी। ये इसकी वार्डरोब्स है, वार्डरोब का काम भी हो रखा है इसके अंदर। हर एक रूम के अंदर आपको एसी का प्रोविजन है, एसी पर लगे हुए हैं। आपका ऊपर से व्यू क्या रहने वाला है, सी दैट दिस इज द मैन मेड लेक। और आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये आपको जो सामने कंस्ट्रक्शन चलते हुए दिखाई दे रही है ये आपकी फ्रूट वैली बन रही है। सेंट्रल पार्क इज ये आपको फ्रूट वैली के फ्लोर्स है जिसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 4 crore से स्टार्ट होती है, ये आप देख सकते हैं। और एक और चीज ये देखिए, आपको यहाँ से आपको ना अरावली व्यू भी काफी क्लोजर दिखता है। ये आपका अरावली व्यू। अभी हम लोग एग्जिट करेंगे फ्लैट से। ये आपके स्टेयरकेस, बोथ साइड आपको स्टेयरकेस मिलते हैं। अगर आपने रिजॉर्ट को देखा है तो उसकी भी एंट्री कुछ कुछ ऐसी है, बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको ना जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक भी बिल्डर ने बनाया है, एंटी स्किट है ये। और ये जो सामने बन रहे हैं ये है सराइजेस फ्लोर्स। अगर इसमें भी लो राइज में भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये देखिए ये जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली 2000 एकड़ का लैंड पार्शल है, 500 एकड़ को डिलीवर कर चुका है। इसके अंदर प्लॉट्स हैं, विलाज हैं, फ्लैमिंगो फ्लोर्स हैं, सीराइजेस फ्लोर्स हैं और आपका एक्वाफ्रंट टावर है, द रूम्स हैं। अगर आप अपने लिए 3 BHK 4 BHK रेडी टू मूव इन देख रहे हैं या फिर लो राइज अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस पर अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है। बेस्ट डील के लिए भी आप 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बजट बिलो 2 crore है या बिलो 3 crore है और आप 3 BHK 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी ए ग्रेड बिल्डर के साथ में देख रहे हैं तो सेंट्रल पार्क से बेटर कोई ऑप्शन पूरे गुड़गांव में हो ही नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ ज़रूर कॉल करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।